नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। टीच फॉर ईच संस्था द्वारा रीवा शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। रीवा के विश्वविद्यालय से ये दौड़ प्रारंभ हुई, कलेक्ट्रेट तक चली। इस दौरान लड़कियों ने 7.5 किलोमीटर का सफर तय किया। इस प्रतियोगिता में 700 लड़कियों ने भाग लिया। जीतने वाली लड़की को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। टीच फॉर ईच मैराथन के लिए 700 लड़कियां दौड़ी। विजेता को मिला 10,000 का नगद पुरस्कार, जिसे जीता राजकुमारी कटनी ने। रीवा शहर में टीच फॉर ईच संस्थान के द्वारा लड़कियों के लिए मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्से से प्रतिभागी लड़कियां आई थीं। हरी झंडी दिखाई रीवा के विश्वविद्यालय के मैदान से लगभग 7.5 किलोमीटर की यह दौड़ कलेक्ट्रेट में आकर समाप्त हुई। यह मैराथन अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक निर्धारित की गई थी, जिसमें 700 छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का प्रथम पुरस्कार कटनी से आई राजकुमारी ने जीता। प्रथम विजेता छात्रा ने बताया वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुकी है और जो पुरस्कार मिलता है उससे वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है। उसको जहाँ भी मैराथन के बारे में जानकारी मिलती है, जहाँ भी उसको ये पता चलता है ये इनामी प्रतियोगिता है, उसमें भाग लेती है और उसके जीते हुए पैसे से कंपटीशन की तैयारी करती है। इस संस्था का उद्देश्य था कॉलेज स्कूल से निकलकर कलेक्ट्रेट तक छात्राओं को पहुँचाना, छात्राओं को प्रोत्साहित करना। संस्था टीच फॉर ईच चाहती है छात्राओं को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, काम की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, उनका मनचाहा काम जो वो करना चाहें, जिस तरीके से जीना चाहें, छात्राओं को ये आज़ादी मिलनी चाहिए। हमारी टीम ने प्रथम पुरस्कार पाने वाली छात्रा और टीच फॉर ईच के संयोजक डॉक्टर राकेश पटेल से आयोजित मैराथन के संबंध में बात की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पहली बात इसको कवर करने के लिए। दूसरा ये कि बच्चे बहुत दूर दराज से आए हैं, हम तो सोचते रीवा संभाग के बच्चे बस रहेंगे, पर इसमें कटनी जबलपुर तक से जबलपुर संभाग तक के बच्चे आए हैं इसमें दौड़ने के लिए। शहडोल संभाग से बच्चे आए हैं, शहडोल से ही बच्चियाँ आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि बेटियाँ अवेयर हों अपनी शिक्षा के लिए, वो खुद अवेयर हों और वो कभी ये ना समझें कि हम उन्हें कुछ दें। हम भी चाहते हैं वो ये, हम उनसे कुछ छीने नहीं, हम उनसे उनका बचपन नहीं छीने, हम उनसे उसका स्कूल नहीं छीने, हम उनके उनकी आज़ादी नहीं छीने, उनके जीने की आज़ादी, उनके खाने की आज़ादी, उनके चलने की आज़ादी, उनके रहने की आज़ादी। तो एक तरह की मैराथन जो है एक मैसेज है हमारी तरफ से समाज के लिए और बेटियों की तरफ से जो जिन्हें मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। 700 बच्चियाँ आई हैं, पहले हमने 500 का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो उसके बाद मुझे पता चला रजिस्ट्रेशन जो है एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो हमें फिर 200 टी शर्ट कल रात में बनवानी पड़ी। मतलब रात भर रह के कल हमने टी शर्ट बनवाई 200 और की कम ना पड़ जाए बेटियों को। तो कह रहे हैं मतलब इतना जोश उत्साह देखने को मिलता है और सोचिए 7.5 किलोमीटर से ज़्यादा की रन है ये और बेटियां दौड़ रही हैं। हमें खुशी इस बात की है कि उनने पार्टिसिपेट किया बहुत दूर दराज से आकर और ये मैसेज दिया है समाज को कि वो उनमें बहुत स्टेमिना है, उन्हें बहुत काबिलियत है, बस उन्हें मौका, मतलब हम उनसे उनका मौका नहीं छीने, अगर हम उन्हें वाकई उन्हें मौका देते हैं तो निश्चित तौर पे देश के लिए बेहतरीन करेंगे। मैराथन में फर्स्ट आई हैं जी, जहां से आपकी ट्रेनिंग मिली है? सर, मैं खुद से ही भोपाल में ट्रेनिंग करती हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करती हूँ। अभी मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो ये मैराथन वगैरह का खेल के प्राइज मनी की इकट्ठा करती हूँ पैसा, फिर नेशनल वगैरह और ये सोच रही हूँ कि देश को रिप्रेजेंट करूँ। तो सब जगह मैं मैराथन वगैरह जैसे 20-25 हज़ार की होती है तो मैं खेलने जाती हूँ, तो इसी प्रकार से मैं अपना पैसा इकट्ठा करके नेशनल वगैरह की तैयारी कर रही हूँ। अभी तक कितने मेडल जीती हूँ? नेशनल में 10-15 पार्टिसिपेट कर चुकी नेशनल में, स्टेट में 20-25 मेडल होंगे मेरे गोल्ड। हाँ सर, तो यही कहाँ गई इसको मैराथन वगैरह नेशनली मेरे 15-20 है और मैराथन वगैरह तो मैं 42 करती हूँ मैराथन, तो कई जगह खेली हूँ, जैसे कि इंदौर मैराथन होती है उसमें फर्स्ट प्राइज था 2020 में, और अहमदाबाद में भी अदानी मैराथन, बहुत सारी है ऐसी, गुड़गांव। हाँ सर है, मगर हो नहीं पा रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? राजकुमारी।
कटनी। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।